बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद अमजद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद अमजद। दुआ ज़ारा केस के हवाले से जो अपडेट्स हैं अब तक वो आपके साथ शेयर करने हम जा रहे हैं। अदालती हुक्म पर मेडिकल चेकअप के बाद दुआ ज़ारा को आज शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया है। आज सिविल अस्पताल से दुआ का दोबारा मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। ज़हीर को पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया है। पुलिस ने मुकदमा खारिज करने के बाद 12 अफराद को भी रिहा करने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है ज़हीर अब मुलजिम नहीं है, लेकिन मामले की हसासियत के पेश नज़र इसको हिफाजती तहवील में ले लिया गया है और 8 जून को अदालत में दोबारा ज़हीर और दुआ ज़ारा को पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब दुआ के जो वालिद साहब हैं उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस ने हमें दुआ ज़ारा से मिलने नहीं दिया। अभी उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, बच्ची 51 दिन के बाद आई है, लेकिन पुलिस ने मुझे उसके सर पे हाथ भी नहीं फेरने दिया। तो अभी पुलिस ने मेडिकल का कहा है और मेडिकल में वो 14 साल की ही होगी। दुआ को जब अदालत में पेश किया गया तो उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि उसकी उम्र 17 से 18 साल है। दुआ ने मज़ीद ये कहा कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया, उसके अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उसे अपने शोहर ज़हीर के साथ जाने दिया जाए, उसको मज़ीद परेशान ना किया जाए। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा शादी पसंद से की गई है, मुकदमा चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत नहीं दर्ज करवाया गया। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि लड़की के बयान के बाद अगवा का मुकदमा सिरे से नहीं बनता। अदालत ने दुआ ज़हरा के मेडिकल चेकअप करवाने और तफ्तीशी अफसर को 2 रोज़ में इसकी रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है और अदालत ने यह हुक्मनामा तहरीरी तौर पर जारी किया है।